हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीम कॉलेज। इस वीडियो में हम एमआईटी इलाहाबाद की पिछले 5 सालों की जो कटआफ है उसको हमने यहाँ डिस्कस किया है। और ये जो कटआफ है, ये जोफा का जो लास्ट राउंड होता है उसकी क्लोजिंग रैंक है, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि जो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक है वो कितनी जाती है एमआईटी इलाहाबाद में। तो इसलिए हमने लास्ट राउंड की कटआफ यहाँ आपको मेंशन किया है। तो ये जो कटआफ है आप देख सकते हैं कि 2016 से लेकर के 2020 तक की जितनी भी कटआफ है ब्रांच वाइज उसको हमने यहाँ मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, उसमें होम स्टेट एंड अदर स्टेट, उसके बाद ओबीसी, देन एससी और लास्ट में एसटी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो अगर जनरल कैटेगरी में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में अगर देखें तो पिछले साल 2020 में जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो 4222 थी। वहीं अगर 2019 में देखें तो 4714 थी, और 2018 में अगर देखें तो 4454, वहीं 2017 में देखें तो 4365 थी, और 2016 में अगर देखें तो 3626 थी। तो अगर आपकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 4000 के प्रॉक्स है तो आप एक बार सोच सकते हैं कि आपको एमआईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ब्रांच वाइज कट आपको देख सकते हैं। आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा और आराम से देख सकते हैं। अब अगर जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जो लास्ट ईयर 2020 में क्लोजिंग रैंक थी वो 3073 थी, 2019 में देखें तो 3562 थी, और अगर 2018 में देखें तो 3504, वहीं 2017 में 4068 थी, और 2016 में देखें तो 2966 गई थी। तो आप देख सकते हैं 2016 में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हाई फाई गई थी। और अगर आप देखेंगे तो 3500 के प्रॉक्स आपको यहाँ एडमिशन कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं बिलोंग करते, उत्तर प्रदेश के अलावा अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। बिलोंग करने का मतलब है इन द सेंस कि अगर आपने अपना जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है वो अगर उत्तर प्रदेश से पास आउट किया है तो आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर से अगर अपना जो 10+2 का एग्ज़ाम है उसको पास आउट किए हैं तो आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर ओबीसी कैटेगरी में बात करें होम स्टेट के लिए, तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए देख सकते हैं कि जो पिछले साल 2020 में जो यहाँ क्लोजिंग रैंक थी वो 1675 थी, 2019 में देखें तो 1538 थी, 2018 में देखें अगर तो 1679 थी, वहीं 2017 में देखें तो 1719 गई थी, और अगर 2016 में बात करें तो 1271 गई थी। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो यहाँ की क्लोजिंग रैंक है वो 1271 है, और मैक्सिमम जो कट ऑफ यहाँ की गई है वो गई है 1600 के अप्रॉक्स गई है। तो अगर आपका आपकी जो रैंक है वो 1200 से लेकर के 1600 के प्रॉक्स है ओबीसी कैटेगरी में, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर ओबीसी कैटेगरी में अदर स्टेट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं कि अगर पिछले साल देखें 2020 में तो 1097 यहाँ क्लोजिंग रैंक थी, वहीं 2019 में देखें तो 1200 क्लोजिंग रैंक थी। ध्यान दीजिएगा, यह आपका जो जोसा का लास्ट राउंड होता है उसकी क्लोजिंग रैंक है, तो ये मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। और अगर 2018 में देखें तो 1166 गई थी, वहीं 2017 में देखें तो 1575 गई थी, और 2016 में देखें तो 735 गई थी। तो आप लोग 1000 के प्रॉक्स अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप यहां अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर एससी कैटेगरी में बात करें होम स्टेट के लिए, तो कंप्यूटर साइंस में पिछले साल 2020 में 932 क्लोजिंग रैंक थी, वहीं अगर 2019 में देखें तो 806 थी, 2018 में देखें तो 674 थी, और 2017 में अगर देखें तो 970 थी, और 2016 में अगर देखें तो 759 थी। तो आप देख सकते हैं कि 700 से लेकर के 800 या 900 तक आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। अब अगर एससी कैटेगरी में अदर स्टेट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं कि पिछले साल 2020 में 825 यहाँ क्लोजिंग रैंक थी, वहीं अगर 2019 में देखें तो 752 थी, 2018 में 713, 2017 में 899 थी, और 2016 में देखें तो 659 थी। तो आप देख सकते हैं कि 700-800 के प्रॉक्स आपको यहाँ अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में आपको एडमिशन मिल सकता है। अब अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं कि अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पिछले साल 2020 में 1590 यहाँ की क्लोजिंग रैंक थी, वहीं अगर 2019 में देखें तो 779 थी, 2018 में अगर देखें तो 924 थी, और 2017 में देखें तो 1287 थी, और अगर 2016 में देखें तो 2180 थी। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसके बाद अगर अदर स्टेट में बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पिछले साल 2020 में जो यहाँ क्लोजिंग रैंक थी वो 346 थी, वहीं अगर 2019 में देखें तो 363 थी, 2018 में अगर देखें तो 338, 2017 में 480 थी, और 2016 में देखें तो 429 थी। तो आपकी जो रैंक है नियर अबाउट अगर 400 के प्रॉक्स है तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं।
तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।